आगे चलते हैं। However, when the pigs elevate themselves to positions of leadership, a struggle for power begins between the two successors of old Major, Snowball and Napoleon. They come to disagree over almost every facet of life on the farm. Their conflict peaks when Snowball proposes construction of a windmill, which Napoleon claims to oppose. When the animals gather to vote on the windmill project, Napoleon unleashes 9 dogs he has trained in secret and who chase Snowball off the farm. A few weeks later, Napoleon announces they will build a windmill, explaining that his opposition to the project was just a ruse to get rid of Snowball's negative influence on the farm. तो ओल्ड मेजर की डेथ के बाद हमने क्या देखा कि जो दो जो पिग्स हैं वो अपने आप को लीडरशिप की पोजीशन पे ले आते हैं, और दो जो खास पिग हैं वो कौन है, स्नोबॉल और नेपोलियन। तो स्नोबॉल और नेपोलियन जो हैं उनके हाथ में सत्ता चली जाती है, वो लीडरशिप उनके हाथ में आ जाती है। तो जो यानी एक तरह से टॉर्च बियरर या पाइनियर्स जो हैं वो ये दोनों पिग्स बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि अब जाहिर है दोनों इंपॉर्टेंट पिक्स हैं, दोनों के अपने अपने फॉलोअर्स हैं, तो उनमें एक प्रतिद्वंद्वता वाली फीलिंग भी आ जाती है, खासतौर से नेपोलियन में। नेपोलियन नहीं चाहता कि स्नोबॉल की तारीफें हों, या स्नोबॉल को जो है उससे बेटर लीडर समझा जाए, या फिर वो जो है वो लीड करे। तो ये बातें हम देखते हैं नेपोलियन में। नेपोलियन में क्या है, एक नेगेटिविटी है। नेपोलियन जो है एक यानी ईर्ष्या रखने वाला है, वो सेल्फिश है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो अब और जो स्नोबॉल है वो वास्तव में भला चाहता है, वो अच्छा चाहता है, बेनिफिट चाहता है जानवरों का। तो पॉजिटिव जो फीलिंग्स हैं वो हमें स्नोबॉल में नजर आती हैं, और नेगेटिव का मुजाहरा जो है, जो रिफ्लेक्ट होती हैं, जो प्रतिबिंबित होती हैं, वो नेपोलियन के कैरेक्टर से होती हैं। तो आप देखें दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो क्वेश्चन भी बनता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ स्नोबॉल एंड नेपोलियन। तो अब ये लीडरशिप इन दोनों के हाथ में, तो क्या शुरू हो जाता है इन दोनों में, रंजिश, मुखालफत, प्रतिद्वंदता, दुश्मनी, डिस्प्यूट, क्लैश। तो ये सारी चीजें जो है स्नोबॉल और नेपोलियन में हमें देखने को मिलती हैं। दे कम टू डिसएग्री ओवर ऑलमोस्ट एवरी फैसेट ऑफ लाइफ ऑन द फॉर्म। जो भी कुछ है, जो भी कुछ घटित होता है एनिमल फॉर्म में, हर एक चीज पे, हर एक मौसम पे, हर एक पॉइंट पे ये लोग झगड़ते हैं। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है, कोई भी फैसेट ऐसा नहीं है, कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है, कोई भी पहलू ऐसा नहीं है एनिमल फॉर्म पे जिस पे इनकी राय एक समान हो, जिस पे ये एक सा सोचें। अगर एक उत्तर दिशा जाता है तो दूसरा दक्षिण दिशा जाता है, ऐसा होता है। अगर एक जो है पूरब की तरफ चलता है तो दूसरा जो है पश्चिम की तरफ चलता है, अर्थात दोनों जो है एकदम विपरीत दिशा चलते हैं, और दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। देयर कॉन्फ्लिक्ट पीक्स व्हेन स्नोबॉल प्रपोजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ विंडमिल व्हिच नेपोलियन क्लेम्स टू अपोज। अब एक सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है विंडमिल का प्रोजेक्ट। जो विंडमिल परियोजना है, पवन चक्की परियोजना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि एनिमल फॉर्म पे डिस्कस किया जाता है, और या जिसका निर्माण किया जाता है। तो स्नोबॉल जो है उनकी ये सोच होती है, उनका दिमाग की उपज होती है विंडमिल का जो प्रपोजल है। अब वो ये कहते हैं कि अगर पवन चक्की हम लगाने में समर्थ हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे जो काम हम लोग एक हफ्ते में करते हैं वो 3-4 दिन में हम उसको निपटा देंगे, और ज़्यादा हम मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जानवरों के पास वक्त होगा रेस्ट करने का और इन्जॉय करने का। तो ये एक पॉजिटिव सोच को लेकर स्नोबॉल चलते हैं। लेकिन नेपोलियन जो है विंडमिल के प्रोजेक्ट को अपोज करता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर सोचने वाली है, जो स्नोबॉल है ना उनके पास बहुत, वो बहुत अकलमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो नई नई चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं।
वो एक पूरी मतलब एक जो है लाइफ है वो तब्दील कर देना चाहते हैं एनिमल्स की। वो चाहते हैं कि जैसे लीडर्स होते हैं ना कि वो टेक्नोलॉजी आए और सब साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हों, तो इसी तरह की सोच जो है स्नोबॉल भी रखते हैं। लेकिन नेपोलियन लगते हैं नेपोलियन का सोचना ऐसा है कि इनमें सब में वक्त ज़ाया होगा, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, टाइम बर्बादी होती है इसमें, तो वो अपोज करते हैं इसका। इसी तरह से वो विंड मिल का जो प्रोजेक्ट है उसको अपोज करते हैं। लेकिन अब कुछ जानवर तो विंड मिल के साथ हैं और कुछ जानवर विंड मिल के खिलाफ हैं, क्योंकि वो नेपोलियन के साथ में हैं। तो क्या होता है, इस पे वोट किया जाता है। आपने देखा वो जहाँ भी किसी जब भी आप एक बात पे सहमत नहीं होते तो ये होता है चलो ठीक है वोट कर लेते हैं, जिसके जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसके साथ हम चले जाएंगे। तो ऐसे ही होता है, विंड मिल के पॉइंट पे जो है वोट होता है। लेकिन क्या देखा जाता है कि बहुत सारे जानवर जो हैं वो स्नोबॉल के साथ जा रहे हैं, उसका स्नोबॉल का फेवर कर रहे हैं, स्नोबॉल के पक्ष में जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि नेपोलियन के पक्ष में हैं। तो नेपोलियन को लगता है कि ये तो बाजी जो है वो स्नोबॉल के पक्ष में जा रही है, तो उसे लगा कहीं ये ना हो कि मैं हार जाऊं, तो वो तो बाई हुक और क्रुक किसी भी तरह से उसको तो बाजी जीतनी है। तो नेपोलियन क्या करता है, जो उसने कुत्ते बहुत ही खामोशी से चुपचाप सीक्रेटली पाले थे, वो अब बहुत ही खूंखार कुत्ते बन गए हैं जबरदस्त किस्म के, उनको वो खोल देता है। और वो जो है स्नोबॉल को पीछे लग जाते हैं और स्नोबॉल एकदम जो है भागता है वहां से, यानी कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सारे कुत्ते हैं ना चीर फाड़ के उसको रख दें। तो वो स्नोबॉल बेचारा एनिमल फॉर्म से भाग जाता है अपनी जान बचा के। तो इस तरह से जो नेपोलियन है वो बल के ऊपर यानी ताकत से माइट से जो है वो उस पे कब्जा कर लेते हैं, एनिमल फॉर्म की लीडरशिप पे हथिया लेते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ नेता ऐसे होते हैं कि उन्हें देखते हैं कि बात अगर नहीं बन रही है सीधी उंगली से तो उंगली टेढ़ी कर लिए। तो यहाँ पे जैसे माइट इज राइट वाली बात होती है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे लाठी जो है किसकी है, लाठी अर्थात वो जो कुत्ते हैं नौ फेरोशियस डॉग्स, वो नेपोलियन के हैं, तो उन्हीं की भैंस हो जाती है, अर्थात उन्हीं की मैनर फॉर्म में लीडरशिप हो जाती है एनिमल फॉर्म में उन्होंने। अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो नाम था जिसका नाम पहले मैनर फॉर्म था मिस्टर जोन्स के टाइम में, अब उसका नाम चेंज कर दिया उन्होंने, अब उसका नाम क्या है, एनिमल फॉर्म है। ठीक है, तो एनिमल फॉर्म है, तो एनिमल फॉर्म की जो सत्ता है जो लीडरशिप है किसके हाथ में आ गई है, अब नेपोलियन के हाथ में आ गई है। क्यों, क्योंकि इसने बॉल को बाहर खदेड़ दिया है। तो अब एकमात्र नेता है जो कि निरंकुश है, डिस्पोटिक है और अपने अपनी मर्जी से काम करता है, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन होती है तो मुखालफत करती है, विरोध करती है, लेकिन उसका कोई मुखालिफ नहीं है, कोई कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई कोई अपोजिशन करने वाला नहीं है। तो वो कैसा है, जैसे हिटलर, जैसे जैसे स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, उसकी तरह जो है वो डिस्पोटिक हो जाता है, अपने फैसले लेता है और जो भी फैसला लेता है उसको वो लागू करके रहता है, ना किसी की भी नहीं सुनता, चाहे वो कितने भी खिलाफ हो वो फैसला, कितना भी नुकसान पहुंचाने वाला हो इंसानों के, वो जानवरों के, आम जानवरों के, उसकी वो परवाह नहीं करता। उसने उसकी बात जो है पत्थर की लकीर है, जो उसने कह दिया वो उसको करना है। इस तरह का लीडर जो है नेपोलियन बन जाता है, किसको खदेड़ने के बाद, स्नोबॉल को खदेड़ने के बाद। गुड। अच्छा अब एक चीज और, अभी आपने देखा कि जो विंडमिल का प्रोजेक्ट था उसका तो उसने खूब मुखालफत की, खूब विरोध किया नेपोलियन ने, अब जबकि स्नोबॉल को बाहर निकाल दिया है तो वो वापस विंडमिल के प्रोजेक्ट को जारी रखना चाहता है, वो विंडमिल के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है। वो कहता है वो तो मैंने इसलिए अपोज किया था जिससे कि जो उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, नकारात्मक जो उसका प्रभाव है, उससे एनिमल फॉर्म को मुक्त कराया जा सके, आज़ाद कराया जा सके, इस वजह से मैंने जो है अपोज किया था। और वैसे भी ये ओरिजिनली तो ये प्लान मेरा ही था, वास्तव में तो मैं ही चाहता था, ये तो जो है चुरा लिया था स्नोबॉल ने ये प्लान। ये बेसिकली ओरिजिनली मूल रूप से ये किसका प्लान था, मेरा प्लान था, और चुरा किसने लिया, चुरा लिया था ये स्नोबॉल ने। तो मैं वापस इस प्लान को लागू करना चाहता हूँ क्योंकि ये वाकई में फायदा इससे होने वाला है एनिमल फॉर्म को और एनिमल फॉर्म के तमाम जानवरों को। ऐसा कह के उसको वो
यानी विंडमिल के प्रोजेक्ट को वापस से शुरू करता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप देखें कितना मतलब रियलिस्टिक है ये सारा जो है डिस्क्रिप्शन। और जानवरों के माध्यम से जो राइटर है, जो ऑरवेल हैं, वो कितनी खूबसूरती से अपनी बात को जो कह रहे हैं, क्योंकि खुलेआम तो नहीं कह सकते क्योंकि ये एलीगरी है। एलीगरी में यही तो होता है कि जो बातें हैं वो जानवरों के माध्यम से या यानी इस तरह से कही जाती हैं जिससे कि कोई जो हुकूमत है, जो सरकार है, वो उस पर कोई ऐसा कदम ना उठा ले कि पता लगा कि उसने राइटर को जेल में डाल दिया। तो जब पाबंदियां होती हैं, जब आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास नहीं होता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती है, तो क्या होता है कि राइटर्स इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मेरा मतलब ये है कि वो इस तरह से जो है लिखना शुरू कर देते हैं, फेबिल के रूप में, एलीगरी के रूप में, सटायर के रूप में। तो ये उसी तरह से जो है जॉर्ज ऑरवेल ने बहुत खूबसूरत कोशिश की और उन्हें ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई और ये बहुत ही मकबूल, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही ज़्यादा जो है पढ़ा जाने वाला नावल है, यानी क्लासिक्स में आता है। अगर आप दुनिया के 100 क्लासिक्स की बात करें या 60 क्लासिक्स की बात करें तो उसमें भी एनिमल फॉर्म का नाम आता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, बहुत छोटा सा नावल है, सब लोग कोशिश करें कि इसको पूरे का पूरे नावल को 2-3 बार पढ़ लें। यू आर गोइंग टू एन्जॉय, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट। ओके, टू डू रीड इट। थैंक यू। Now we may move on to the next slide. As the windmill project progresses, all the animals except the pigs work laboriously for hours together, yet none as hard as Boxer the horse. Food runs short, but the animals persevere, driven by the pride of working for themselves. To make up for the food shortages and obtain other farm supplies, Napoleon announces plans to begin trade with other farms. The animals are skeptical about this plan but follow his lead. अब जो है विंडमिल का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोग्रेस पे है, उस पर काम जारी है। तो सारे के सारे जानवर ऐसा देखा जाता है कि बहुत मेहनत से, जी जान से काम करते हैं, सिवाय पिग्स के। जो पिग्स हैं वही काम नहीं करते, बाकी सारे जानवर जो है वो विंडमिल के निर्माण में लगे हुए हैं। पिग्स क्यों नहीं करते, क्योंकि पिग्स का कहना यह है कि भाई हम जो है दिमागी काम करते हैं, हम तो ब्रेन वर्क करते हैं, तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस देने का काम जो है पिग्स का है और बाकी जानवर सब मेहनत से खेतों में भी काम करते हैं और फिर बाद में जो भी टाइम उनके पास होता है वो सारा टाइम लगाते हैं कि इसमें विंडमिल के निर्माण में, उसको इरेक्ट करने में, उसको एस्टेब्लिश करने में। अब ये भी है, ज्यादा टाइम तो जाता है विंडमिल के काम में, उतना काम वो खेतों को नहीं दे पाते, तो उससे क्या होता है जो फूड है वो कम हो जाता है, यानी उतनी पैदावार नहीं होती है, प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी जानवर शिकायत नहीं करता कि हमें भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। सारे के सारे जानवर जो है वो काम पे लगे रहते हैं बहुत ही दिलचस्पी के साथ और बिल्कुल डेडिकेशन और डिवोशन के साथ, क्योंकि उनको इस बात की खुशी होती है, प्राइड होता है कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का सुकून है उन्हें, चाहे कहते हैं खाने को नहीं मिल रहा, फिर भी वो ये सोचते हैं अगर हम काम कर रहे हैं तो कम से कम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। तो आप ये देखें कि जानवर कितने ज्यादा बेवकूफ होते हैं, या ये कहिए कि यानी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। खाने पीने की कमी नहीं है, खाने पीना नहीं दिया जा रहा किसको, आम जानवरों को। जो मजे हैं सारे कौन लूट रहा है, वो सब पिग्स लूट रहे हैं, पिग्स जो है मजे कर रहे हैं। पिग्स को खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन खाने पीने को भरपेट नहीं मिल रहा किसको नहीं मिल रहा है, आम जानवरों को नहीं मिल रहा है, उनसे काम लिया जा रहा है और फिर भी उनको उनसे उनको ये सपना दिखाया जा रहा है कि आप लोग मेहनत से काम करते रहिए और हमें जो है ब्रेन वर्क करने दीजिए, क्योंकि अगर हम ब्रेन वर्क करते रहेंगे तो मिस्टर जोन्स या स्नोबॉल वापस लौट के नहीं आ सकेंगे, अगर आ गए एक बार तो हमारी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी, हम फिर से जो है गुलाम हो जाएंगे।
तो ये जो है जानवर जो कि ज्यादा अकलमंद नहीं है या मंद बुद्धि है कहिए, तो वो सब बात मान लेते हैं डॉग्स की, वो पिग्स की। और डॉग्स से तो वो डरते हैं, जो 9 डॉग्स हैं फ्रोशियस डॉग्स, उनके उनका उन्हें खौफ है, डर है, आतंक है कि पता लगा कि अगर उन्होंने फैसला नहीं माना नेपोलियन का या दूसरे पिग का, तो वो जो है चीर फाड़ के रख देंगे उनको, ये बात का डर भी है उन्हें। तो अब जो है जब क्योंकि खाने की कमी है, भर पेट खाना नहीं है, तो नेपोलियन कहता है कि हमें ट्रेड व्यापार करना पड़ेगा। तो व्यापार किससे? पड़ोसी फार्म्स, दो दो फार्म हैं पड़ोस में एनिमल फार्म के, एक का नाम जो है पिंच फील्ड है, एक का नाम फॉक्सवुड है। क्योंकि ये समरी है ना, तो इसलिए मैंने सारी बातें तो लिखी हुई नहीं है इसके अंदर, जो खास खास बातें हैं वो इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दो फॉर्म हैं। एनिमल फॉर्म तो है जहाँ पे ये जानवर सारे रहते हैं, एक फॉर्म उनके पड़ोस में जो है वो है पिंचफील्ड और दूसरा है फॉक्सवुड। तो अब वो जो है क्या करते हैं, फॉक्सवुड का जो मालिक है, ये भी बता दूं मैं आपको, फॉक्सवुड का मालिक है पिल्किंगटन और पिंचफील्ड का मालिक है फ्रेडरिक। तो अब वो ट्रेड व्यापार इनसे यानी पड़ोसी अपने फॉर्म से करने की बात करते हैं नेपोलियन। जबकि आपको याद होगा कि एक कमांडमेंट था कि हमें जो है इंसानों से कोई सरोकार नहीं होगा, इंसानों से हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, इंसानों से हम कोई राबता नहीं रखेंगे, कोई लेन देन हमारा नहीं होगा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। उसके बावजूद भी नेपोलियन ऐसा अनाउंस करते हैं, ऐसा डिक्लेयर करते हैं कि उनको ट्रेड करना पड़ेगा, जिससे कि फूड की शॉर्टेज की जो समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सके। दी एनिमल्स आर स्केप्टिकल, तो उन्हें थोड़ा सा शुबा है, थोड़ा शक है, संदेह है इस बात पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, अबाउट दिस प्लान, बट फॉलो हिज लीड। जो ये इनका प्लान है नेपोलियन का, तो लोग संदेह करते हैं, छोटे जानवर जो हैं उनको जो है वो कानाफूसी करते हैं, वो कहते हैं ऐसा क्यों कर रहा है नेपोलियन, ये सब तो मना है एनिमल फॉर्म में ऐसा करना, लेकिन क्या करें, क्योंकि अब नेपोलियन है, नेपोलियन ने जो कहा है वो सही कहा है, उसकी बात तो आखिरी बात है, उसकी बात तो पत्थर की लकीर है, वो तो माननी ही माननी है। तो सारे जानवर अग्री कर जाते हैं, ठीक है नेपोलियन जो कह रहा है वो सच है, वो सही है।